ओके okay, डियर्स uh, ये जो है फिफ्थ नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है uh, कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कौन से हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट शेयर्ड बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड अनशेयर्ड आर लोन पेयर बॉन्डेड पेयर कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन विच बोथ शेयर वन अलेक्ट्रॉन्च जिसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है डिटेल क्वेश्चन आंसर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें डिफ्रेंस uh, जो है वो दें और एक एक एग्जाम्पल दे दें तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड जो अपोजिटली चार्ज आयानस के दरमियान होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल है सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड जो होते हैं वो नेगेटिव आयान्स होते हैं यानी कैट आयान्स और एन आयन्स मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है जिसमें फॉर्म्ड होता है बाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स के दरमियान जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है उससे जो बॉन्ड बना होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है और रीज़न देनी है कि कौन से कंपाउंड आयोनिक है और कौन से कोवेलेंट है तो जो पोटेशियम क्लोराइड है ये आयोनिक कंपाउंड है इसकी रीज़न क्या है बिकॉज पोटेशियम पॉजिटिव कैट आय हैं ये अट्रैक्ट करते हैं क्लोराइड या एन को टू फॉर्म द कंपाउंड ये कंपाउंड बनाते हैं तो ये जो है इसकी एग्जांपल है रीज़न भी आपने इसको देना है इसको लिखना है नेक्स्ट uh, है कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं जो शेयर्ड होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी रीज़न ये है एक वाटर मॉलिक्यूल और एक आयोडाइड मॉलिक्यूल जो है इसकी रीज़न क्या है आर कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज फॉन्ड बाई म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने इनके साथ शेयर किया है और आयोडाइड ने जो है वो दो आयोडाइड ने पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है ये आपने नीट कॉपी पर उतारना है ये आपके जो सेकंड टर्म एग्जाम है इसमें आएगा इसको खूब अच्छी तरह से जो है वो तैयार कर लेना इसको कॉपी में भी उतारना और प्रिपेयर करके ये एग्ज़ाम में ज़रूर होगा इनशाला होप दिस मेक सेंस